लग ये रहा है जैसे अटक जेल जो है उसमें आज इमरान खान ने 79,000 रुपया अपने अकाउंट में जो जमा करवाया है वो जल्दी निकालना पड़ जाएगा। उसकी क्या वजह है वो बताता हूं। जस्टिस आमिर फारूक भी इमरान खान वाले मामले के ऊपर इत्तेफाक कर रहे हैं, मैं आपको वो भी बताता हूं। लेकिन दिलचस्प बात आपको बताऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस खबर है, खबर यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा जो कह रही थी कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है और जो गिरफ्तार खवातीन है उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर यह है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक को अचानक ख्याल आ गया है कि ये तो बड़ा आम मामला है, ये तो साबिक वजीर आजम है, ये तो खवातीन जेलों में बंद है, हालांकि वो आज या कल की नहीं है, काफी महीने हो गए इस बात को। तो पता ये चला है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए जो इंसानी हुकूक है उसने अटक जेल में इमरान खान से और तहरीक इंसाफ की जो गिरफ्तार खवातीन कारकुनान है उनसे जेल में जाके मुलाकात करने का फैसला कर लिया है। चलिए अच्छी बात है, आप जाएं, आपको अंदाजा होगा, लेकिन एक सवाल है कि क्या उनसे मुलाकात का मौका दिया जाएगा। ठीक है, मान लिया कि पाकिस्तान के अंदर सेनेट मौजूद है, मान लिया कौमी असेंबली भी मौजूद है और मान लिया कि वहां पर कायमा कमेटीज भी हैं, लेकिन यह मानना जरा मुश्किल है कि उनके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो जाएं मुलाकातें कर लें और वो कहें कि हमने आजादाना वो चीजें करनी है, ये होगा नहीं। देखिए लोग तो इस हद तक कह रहे हैं कि सदर साहब के कान में कहा गया हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होने दिया था, ये नहीं किया। आप तारीख ना दें, आपके फैसले के ऊपर भी हम अमल दरामद नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल से सदर जब डट गए हैं तो उन्हें डट के तारीख देनी चाहिए, इलेक्शन हो या ना हो। देखिए जस्टिस बंदियाल अमल दरामद करा पाए या ना करा पाए, लेकिन तारीख तायुन ये जरूर करेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि 90 रोज से आगे इलेक्शन है, किसी ने अमल दरामद किया नहीं किया उसके तारीख तायुन करेगी, लेकिन जस्टिस बंदियाल ने कहा इलेक्शन 90 रोज में। इसी तरह से अब जस्टिस काजी फायज ईसा वाली बात है, तो सदर का तायुन भी इस बात के ऊपर होगा कि उन्होंने इलेक्शन तारीख दी या नहीं दी। इलेक्शन करवाना सदर का काम नहीं है, तारीख देना सदर का काम है। एक और बात, चूंकि पाकिस्तान में झूठ और वो फैलाया जाता है, बहुत ज्यादा फैलाया जाता है, क्या कुछ राणा सनावला ने नहीं कहा, क्या कुछ अब्दुल कादिर पटेल ने नहीं कहा, वो जो वफाकी वजीर थे, इमरान खान से मुतल्लिक और पता नहीं कौन कौन से टेस्ट करवाने से मुतल्लिक, और कहा गया इमरान खान पता नहीं क्या कुछ सूंघता है, पता नहीं क्या कुछ करता है, इमरान खान की पुड़ी बंद कर देंगे तो इमरान खान जेल में नहीं रहेगा। इमरान खान ने जेल में बैठ के इन सब के अंदाजे गलत साबित किए। रमीज राजा के बकौल इमरान खान को आप 1000 बार आजमाएंगे, वो 1000 बार आपके सब अंदाजों को गलत साबित करेगा, और उसने किया। खबर सुनिए, आदिल निजामी साहब हम न्यूज के लिखते हैं, जी नशे की जांच के लिए अटक जेल में कैद, इमरान खान के मेडिकल टेस्ट कराए गए जो मनफी आए हैं, यानी खान साहब का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। मामूल में जेल में जो लोग होते हैं उनके इस किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं, तो इमरान खान का टेस्ट भी लिया गया। तो चलिए, वो जो झूठ फैलाते थे, जो इस किस्म की बेहुदा किस्म की बातें टीवी स्क्रीन के ऊपर करते थे और हर जगह करते थे, उनको कम अज कम जो है वो जवाब मिल गया होगा कि इस हवाले से क्या वो कहते हैं कि इमरान खान ये चीजें करते हैं कि नहीं करते। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जो खुदा हाफिज अटक जेल वाला मामला है और इमरान खान की सुनी गई है, आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस दरखास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थी कि साइफर केस जो है उसकी अटक जेल में आप समाअत कैसे कर सकते हैं, और जो वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत जज साहब जो है बुलस्ताज जुलकर नैन चल के वहां चले गए थे, तो वो कैसे हो गया, उसके ऊपर आज समाअत हुई और उसके ऊपर फैसला तो महफूज हो गया है जो सुनाना है जस्टिस आमिर फारूक ने। एक तो जस्टिस आमिर फारूक हर केस का फैसला महफूज करते हैं, आज यही बातें शेख अफजल मरवत साहब ने की कि सर फलां तारीख को आपने फलां फैसला महफूज किया, फलां तारीख को आपने फलां फैसला महफूज किया। खुदारा वो फैसला सुना दें, आपके महफूज फैसलों की वजह से हम सफर कर रहे हैं, आप फैसला सुनाएंगे तो हमें पता चलेगा, आपने हमें रिलीफ दिया तो भी अच्छी बात है, नहीं दिया तो हम आपसे ऊपर वाला जो फोरम है वहां पे रुजू करेंगे। अब हुआ क्या है, आज इस मामले के अंदर शेर अफजल मरवत ने बहुत अच्छे तरीके से यह कहा कि देखिए वजारत कानून के पास एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रायल को रेफर करने का, ट्रांसफर करने का इख्तियार मौजूद नहीं है और यह काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और इस बारे में उन्होंने कहा कि फिर वो क्या कहते हैं कि हुकूमत ने वहां पे क्या एक रुझान इख्तियार किया, वहां पे जैसे आमिर फारूक ने कहा कि यह तय होना है कि नोटिफिकेशन किसके इख्तियार के तहत कर सकते हैं, किस इख्तियार के तहत जो है। और उन्होंने एक और बात की कि ये साइफर का जो ट्रायल का मकाम है
वो तब्दील करने का जो इख्तियार है वो किसके पास है, जिस पे प्रोसिक्यूटर ने अपनी तरफ से फिल्म चलाने की कोशिश की। उसने कहा नहीं जी वो तो सिर्फ एक बार के लिए था तो वो गैर मौसर हो गया। तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, जिसका मतलब यह था कि मैं इमरान खान की उस दरख्वास्त से इत्तेफाक करता हूं कि बेशक वो एक बार के लिए ही था तो उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। कल यही नोटिफिकेशन दोबारा कर दिया गया तो ये सवाल मुतलका हो जाता है। तो इस हवाले से उनका वो इस बात के ऊपर नहीं, जिस पे इमरान खान के वकील शरीफ अफजल ने कहा कि देखिए ये नोटिफिकेशन बदनीयती की बुनियाद के ऊपर जारी किया गया था, ये दरख्वास्त गैर मौसर नहीं हुई, अदालत ने तय करना है कि नोटिफिकेशन ठीक था या गलत था। जिसका मतलब है कि आज पहली बार तहरीके इंसाफ के वकील और जस्टिस आमिर फारूक एक पेज के ऊपर थे और उन्होंने कमोबेश एक ही जो बात है वो की गई। एक और बात, शरीफ अफजल मरवत ने कहा किसी के पास जवाब, इसका जवाब या जवाब है कि सजा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में इस वक्त तक क्यों कैद हैं जब उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है, और ट्रायल कोर्ट के जज एनओसी पर अटक जेल क्यों चले गए, जज साहब ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। कल उनको कोई कहे कि आपने इमरान खान का लांडी जेल जाके ट्रायल करने था, लांडी जेल चले जाएंगे, जज साहब को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उनका हमारी दरखास्त के जवाब में यह कह देना कि गैर मौसर हो गया काफी नहीं है, बल्कि अदालत के सामने सवाल यह भी है कि चेयरमैन पीटीआई को किस कानून के तहत अटक जेल के अंदर रखा गया है, क्योंकि मामला इस्लामाबाद का है तो आप सुबह पंजाब की जो जेल है उसमें इमरान खान को कैसे रख सकते हैं, जिससे लग ये रहा है कि अटक जेल वाला मामला इख्तिताम को पहुंचने वाला है, जिसके ऊपर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और ये जो दोनों तरफ के दलायल हैं वो मुकम्मल जो है वो हो गए हैं। अब देखना ये है कि इस हवाले से अदालत क्या फैसला देती है और कब महफूज फैसला जो है वो सुनाती है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तो साइफर केस की कल समाप्त होनी है, क्योंकि आप जानते हैं कल अगर समाप्त होती है तो दोबारा जेल में होगी या बाहर होगी, बाहर होगी तो इमरान खान को लाना पड़ेगा। तो एक और बात, यह सवाल यह भी था कि क्या ये जो अबुल इसनाद जुल्कर नैन है वो उनकी तायुनाती दुरुस्त है, क्योंकि उनके पास इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का है। तो अब देखना यह है कि इसके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला जो है वो करती है। अच्छा, एक बात और है कि पाकिस्तान के अंदर अब तो कोई लिहाज कोई पर्दा रह ही नहीं गया। हम सबको पता है कि निगरान हुकूमत कितनी गैर जानिबदार है, कितनी निगरान है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इससे आगे निकल गए, उनको फर्क नहीं पड़ता। कैसे, अंदाजा कीजिए कि आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद, वो उनके मोतमद खास माने जाते हैं, उनके बहुत करीब हैं, इवन नैब की गिरफ्तारी भी उनकी हुई। अब यह देखिए कि जो शख्स फवाद हसन फवाद नून लीग के इतने करीब हो, उसको अगर अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत जो है वो अपना वजीर मुकर्रर कर दे तो ये क्या है। ये वो इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं परवेज संधेला, उन्होंने ट्वीट किया, वो कह रहे थे जी ये नवाज शरीफ की टीम की एंट्री हुई है, इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। ऐसा ही है, ये नवाज शरीफ की टीम यहां बिठा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है पिछले 16 महीने नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत थी, कहते जी हमने कुछ नहीं किया। अब नवाज शरीफ की टीम की एंट्री हुई है, नवाज शरीफ की टीम बैठी हुई निगरान हुकूमत के अंदर, अब नहीं संभला फिर कहते हैं वो नवाज शरीफ आएगा तो संभलेगा। 16 महीने नवाज शरीफ ने उनको फार्मूला नहीं दिया, इनको फार्मूला नहीं दे रहे, नवाज शरीफ खुद आएगा तो फार्मूला अप्लाई करेगा, ये एक अजीब सी बात है। तो ये फवाद हसन फवाद को लगा के उनको निजकारी का उमूर है, जो पाकिस्तान के कौमी इदारे आपने बेचने हैं तो वो बेचने के हवाले से बताया गया है कि फवाद हसन फवाद अच्छा काम कर सकते हैं, जाहिर है उसमें नून लीग बड़ी एक्सपर्ट है। तो नून लीग एक और जो साहब है, आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के मुतालिक एक इतराफ किया गया टीवी के ऊपर बैठ के कि फिलहाल पार्टीज के इतने मिनिस्टर्स हैं, लग रहा है कि अब विफाकी हुकूमत का भी वही हिसाब है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।